बाबा हिंदू नहीं है? बाबा तो हिंदू है, ये बताइए बाबा हिंदू नहीं है? अभी जाके देखिए आज ही भटनी में एक मर्डर हो गया है। बाबा तो कह रहे थे कि हम मर्डर रोक देंगे, हमें रोक देंगे, हम वो रोक देंगे। पहले तो प्रेमचंद की हत्या हुई ना, तब ना गांव के लोग मुँह आए, कौन मुँह आया, कोई नहीं मुँह कोई देखा नहीं जान रहा है। पहले तो प्रेमचंद की हत्या हुई, ये बताइए प्रेमचंद की हत्या पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अगर कोई पहले ये बताइए, आप जब हमको मारे हैं तभी ना हम मारे हैं, बताइए। अगर गलत मैं कह रहा हूँ तो कहिए। अगर प्रेमचंद की प्रेमचंद की हत्या कैसे हुई, ये कोई नहीं उठा रहा है। ये उठा रहा है कि पांच लोग की हत्या हो गई, मगर एक कोई नहीं कह रहा है कि प्रेमचंद की हत्या कैसे हुई। ये कोई कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। पहला ये प्रेमचंद यादव को क्यों धोखे से बुलाया गया? क्यों धोखे से बुलाया? अगर चले गए तो इसका मतलब उनका जान मार दीजिएगा। कोई नहीं कह रहा है कि पहले प्रेमचंद की हत्या क्यों हुई। कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा है, ना मीडिया उठा रही है, ना टीवी बता रहा है, ना बाबा उठा रहा है। कोई लोग अगर उठाए तो बता दीजिए। एक सवाल आपसे होगा। हाँ बताइए। ये बताइए जो स्वतंत्र पत्रकार है, जो खेतों में, कीचड़ में, जंगल में जी? अभी मच्छर यहाँ काट रहे हैं या मच्छर कटवा भाई रहे? मच्छर तो कटवे करेंगे, जब मच्छर है तो कटवे करेंगे। टीवी चैनल वाले एसी से गए हैं और हम लोगों को सोशल मीडिया यूट्यूब करके खदेड़ दिया गया। भाई खदेड़ इसलिए गया है कि आप लोग जब हाईलाइट करेंगे तो उनकी सरकार गिरेगी, इसीलिए आपको खदेड़ा जा रहा है कि आप लोग हाईलाइट नहीं करेंगे। यही बात है, आप लोग हाईलाइट न करिए। अभी उनकी सरकार और बताइए, यही बात। हम तो आए हैं, ठीक है, अखिलेश जी से हम लोग मिले ना मिले, भाई हम लोग मिले ना मिले, ये बताइए। अखिलेश जी आएंगे तो दोनों भाई 144 धारा का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। भाई 144 धारा का उल्लंघन हम लोग नहीं करेंगे। भाई पुलिस को भाई जब 144 धारा जब हम उल्लंघन करेंगे, सब संविधान का नियम हम लोग नहीं तोड़ेंगे, जान लीजिए। हाँ शांतिपूर्वक मना रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं तो नेताजी से भेंट हो ना हो उससे कोई बात नहीं है। नेताजी जाएंगे अपने दोनों पक्ष से मिलेंगे। आप संविधान के कानून के तहत नहीं जाएंगे, उसके फॉलो करेंगे, उसकी जो भी गाइडलाइन। संविधान का कानून हम लोग नहीं तोड़ेंगे, 144 धारा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। भाई नेताजी आए, नेताजी का दर्शन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। नेताजी आएंगे तो दोनों पक्ष के घर जाएंगे, आज दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे। भाजपा वाले लोग तो पहले जातिवादी कर रहे हैं, अगर कहें तो बताइए। आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा के नेता लोग जातिवाद कर रहे हैं? बाबा मुख्यमंत्री आए थे गोरखपुर में, ये बताइए, उस उनसे मिल के और चले गए। बिल्कुल भाई चले गए। सल्लभ मड़ी आए तो कहे कि किसी समाजवादी की औकात है तो 1-74 जांच करा ले, मेरा बाल नहीं उखड़ेगा। क्या ये गलत बात है? आपने एक पोस्ट देखा होगा, सपा पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग थे जो वो लोग भी पोस्ट किए थे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अच्छे जो किए वो अच्छे किए, नहीं किए तो बात की बात है। पहले तो ये एक मिनट, पहले तो यही लोग ना किए, पहले तो जात का भावना यही लोग बांटे, हिंदू मुसलमान यही बांटे। अब तो मान लीजिए माहौल देख रहे हैं कि अगर प्रेमचंद घर का घर गिर जा रहा है तो बात बिगड़ सकती है, इसीलिए पहले कार्यक्रम वो लोग अपने कर लिए, उसके बाद जल्दी जल्दी देखें कि समाजवादी वाले करेंगे तो 144 धारा लगा दिए। 144 धारा इसीलिए लगाएं कि समाजवादी के लोग हावी नहीं होंगे। आपका क्या कहना है, क्या मानना है? भाई हम यही कहेंगे कि प्रेमचंद यादव का घर न गिरे, न्याय मिले भाई, मिलना है जो मिले, उनके घर तो आबादी में है नहीं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण परिवार का भी कहना है कि हम लोग पांच लोगों की हत्या कर देंगे, उसमें तो, जिसमें बच्चे भी हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि उनकी पांच लोग, भाई पांच लोग की हत्या हो गई है, मैं मान रहा हूँ। तो पांच लोग की हत्या, ये बताइए, इसी तरह तो हो नहीं गए? गाँव के लोग बखुलिया जाके मार दिए।
तहसीलदार कोर्ट द्वारा जी तहसीलदार कोर्ट द्वारा ये आबादी की जमीन बंजर की जमीन और उनको खलिहान की जमीन वन विभाग की जमीन बताई जा रही है। तो उसमें जब वन विभाग की जमीन हो तब ना, अगर वन विभाग की जमीन हो, अगर गरम साहबा की जमीन होती तो आज ले बाबा का बुलडोजर चल जाता, अभी बुलडोजर इतना देर रुकता नहीं। नोटिस तो 7 तारीख को चिपका, ठीक है, नोटिस जब चिपकाया कि दिया गया है तो आखिर में घर गलत नहीं ना है, इसीलिए नहीं ना गिर रहा है, ना तो मेरे कहने पर गिरे ना तो आपके कहने पर गिरे, अगर गलत होगा तो अभी तक ले वो गिर गया होता। अच्छा, अखिलेश यादव के आने से क्या बुलडोजर की कार्रवाई रुक सकती है? अब देखिए, जो जो सच्चाई है वही नेताजी भी कहेंगे, जो सच्चाई नहीं है वो नहीं कहेंगे। नेताजी ये नहीं कहेंगे कि ठीक है इनका घर गिरवा दीजिए, दोनों पक्ष से मिलेंगे, अपनी बात को वो रखेंगे। एक सवाल आपसे लास्ट सवाल होगा। हाँ बताइए। वकील साहब जो केस देख रहे हैं, हाँ, अभी वो मौके पे खड़े थे और उनको भी मतलब यहाँ से कहा गया कि आपको एंट्री नहीं है। अच्छा, तो भाई 144 धारा लगा है तो उनको जाने की क्या जरूरत है? भाई 144 धारा तो इसीलिए लगा है कि हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, अब भाई भीड़ लगेगी तो ये बताइए, हम 144 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं? और बताइए, मेरे सामने अधिकारी के द्वारा बताया गया कि जब सारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उनका उनको आज कोई सिग्नेचर वगैरह कराना था, और बताया गया कि सारा कार्यक्रम खत्म होगा तो आप जाके सिग्नेचर कराइएगा। आप जी नहीं, नहीं, अभी सुबह में वकील साहब जो केस देख रहे हैं प्रेमचंद यादव। अच्छा अच्छा, तो वकील साहब जाके करा लेंगे, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? जब ये बताइए, जब हम गलत रहेंगे तब ना, जब हम गलते है नहीं तो हमारी मकान अभी तक ले भाई साहब गिर जाते, ये जान लीजिए। मैं गलत नहीं हूँ, मेरी जमीन गलत नहीं है, अगर मेरी जमीन गलत रहती तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ले बाबा छोड़ते नहीं, उनको बुलडोजर दौड़ जाएगी, बुलडोजर उनका दौड़ जाए। जनता जनार्दन है, आप लोगों से हम राय ले रहे हैं, इतनी जनता ठीक है देख रही है। ये बताइए भैया, आप लोग टीवी चैनल को सपोर्ट करते हैं कि सोशल मीडिया को? आप लोगों से राय हम लेना चाहेंगे, सोशल मीडिया आगे कौन है, कौन सच्चाई दिखाता है? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया आगे है। चलिए, आप यहाँ जनता की आवाज आपने सुन लिया और जनता की राय भी सुन लिया, और यह सोचने का विषय है जो भी यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इस विषय पे जरूर सोचें और इस मामले को संज्ञान में लें, और सोशल मीडिया यानी जिसे यूट्यूब आप लोग कहते हैं उसको भी उतना ही अधिकार दें, जो एसी में बैठकर जाते हैं और वहाँ पे कवरेज करते हैं और दिखाते हैं। और हम लोग देखिए धूल फाँक रहे हैं, यहाँ धूल फाँक रहे हैं, इसी जंगल में हम लोगों का रहना हो रहा है, एक तरफ टीवी चैनल एसी में और एक तरफ से हम लोग कहाँ हैं, इस जंगल में हैं। क्या भैया? जंगल में हम लोग, जंगल में हैं, एक तरफ से एसी में वो आएंगे और यहाँ से दिखा के उस लोग चले जाएंगे, लेकिन हकीकत आपकी आवाज़ को कौन पहुँचा रहा है? सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया। तो कौन आगे है? सोशल मीडिया। आप देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।